हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांका ब्लॉग्स। तो अभी रेस्ट कर रही हूँ, दोपहर का समय है, बच्चे किचन में बना रहे हैं बनाना शेक। और आज का ब्लॉग पूरे दिन के छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि पूरा दिन कैसे स्पेंड हो जाता है पता ही नहीं चलता। बहुत सारा काम, क्योंकि होली नज़दीक आ रही है तो छोटे छोटे काम मैंने बहुत सारे दिमाग में सोच रखे हैं, लेकिन आज पता नहीं क्यों कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा है। तो जब नहीं मन हो रहा है तो मैं रेस्ट ही कर रही हूँ, अभी तो फिलहाल बैठी हूँ। शाम होते ही फिर से काम शुरू हो जाता है, नाश्ता बनाओ और बच्चों के लिए कुछ दो, तो इस तरह से। और आज तन्वी का मन कर दिया तो वो बनाना शेक बना रही हैं और बोली मम्मा तुम्हारे लिए भी लाती हूँ, तो बच्चों के हाथ का बनाना शेक मैं भी इंजॉय करने वाली हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और देखिए आज क्या क्या हुआ सुबह से लेकर के शाम तक में। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शेयर कर रही हूँ आज पूरे दिन की रूटीन के साथ। ढेर सारा अमरूद लेके आए हैं हम लोगों के यहाँ, अमरूद इस बार नहीं मिल रहा था, ये देखिए। और ये दीदी के यहाँ फल लगा था, पेड़ लगा हुआ है। आ गई है मम्मी, बच्चे बहुत खुश हो गए हैं, ढेर सारा अमरूद खाए हैं हम लोग और अब हो रहा है नाश्ता। इतने सुंदर छोटू से गणेश जी आए हैं, ये गाड़ी के लिए आए हैं, मम्मी लेके आई हैं, तब प्यारा है। मम्मी आ गई हैं, तन्मय बहुत खुश है, कल कह रहा है कि हमको रंग बिरंगी टॉफी मिलेगी जब दादी आ जाएंगी तो हमको रंग बिरंगी टॉफी मिलेगी जब दादी आ जाएंगी तो होगी बागवानी। और हम लोग जा रहे हैं छत पे, बहुत दिन बाद जा रहे हैं छत पे, इस बार तीसरा दिन है आज, ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं इतने दिन बाद छत पे जा रही हूँ, पता नहीं मन ही नहीं हो रहा था। मॉर्निंग एवरीवन, तो आज बन रहा है मैगी लंच के लिए बच्चों के, 10-15 दिन में एक बार या महीने में एक बार कोशिश करती हूँ इन लोगों को टिफ़िन में मैगी दूँ, क्योंकि स्कूल में भी अलाउ नहीं है। तो आज सिर्फ तन्वी का स्कूल है तो हमारी मॉर्निंग हो चुकी है और स्कूल है तो इसलिए जल्दी उठना होता है। ये यम्मी सा मैगी बना रही हूँ तन्वी के लिए, बाय बाय दी, बाय बाय दी, चलिए बाय दी, बाय बोल नहीं दे, इग्नोर मार रही है, बाय दी। क्यों नहीं बाय बोल रहा उसको जी? हाँ क्यों? अच्छा इसीलिए नहीं बोल रही थी। अरे अरे बाप रे बाप, कितने देर तक प्यार चलेगा? बाय बाय। चलो ब्रश करो, बस आएगी ना, कब आएगी? चलो ब्रश करो, चलो आओ। तो अब बन रहा है हमारा खाना नाश्ता और मैंने यहाँ ब्रोकली की सब्जी बनाई है आज फिर से, और इसके साथ मैं बना रही हूँ ये बथुआ का साग और इसमें आलू डाल के मैं प्याज मिर्ची डाल के सादा सा बना रही हूँ, बहुत लेकिन टेस्टी लगता है। तो ये सब्जी मेरी तैयार हो चुकी है लगभग, और यहाँ पे जो गणेश जी ले आई थी मम्मी, अब गाड़ी चलेगा ना तो भटकते रहेंगे यहाँ गाड़ी में। ये देखिए ये लोग किचन में क्या कर रहे हैं, देखिए पीछे शंकर जी। और बज रहे हैं अभी 3:30, 3:30 बज रहे हैं ना, खाना मेरे बच्चों को। हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं अभी 3:30 बज रहा है, 3 के लग काट भी रहे हैं। हां मेरे बच्चों को खाना नहीं अच्छा लगता है और मैं इन लोगों को क्या खिलाऊं कैसे खिलाऊं। देखिए भाई ये सब मिल करके दोपहर में मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए चली गई हूँ, तो ये लोग बना रहे हैं यहाँ पे, क्या बना रही हो? बनाना शेक। बनाना शेक बना रहे हैं लोग और फलों की बर्बादी शायद कर रहे हैं। बन जाएगा? हाँ, श्योर हम लोगों को आता है। अच्छा हम लोगों को आता है। अच्छा ठीक है, तो बना के पिलाओ फिर जाते। मेरे पास बहुत सारा काम है लेकिन करने का मन ही नहीं कर रहा है। ओहो, तो मेरे फेवरेट वाली ग्लास में क्यों नहीं दिए हो? और मजा आता मुझे पीने में, कोई बात नहीं। हर्ट बना है, क्या बना है इसमें? ये देखिए उल्टा सीधा हर्ट, तन्वी की कारागारी, बहुत सुंदर है ये तो, बहुत सुंदर है। बच्चों को एनकरेज करना चाहिए, और अगर मैं बोल दूं कि नहीं अच्छा है या कुछ भी कमी निकालूं तो नेक्स्ट टाइम में तन्वी मुझे बना के कुछ नहीं देंगी। तो रियली ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
बात नहीं, तो बैठे बैठे कुछ खाने पीने को मिल जाए तो अच्छा ही लगता है, और ऐसा कम ही होता है घर में, लेकिन आज तन्वी बना के दी है तो आप लोग भी लीजिए, इंजॉय करिए। ये देखिए हर्ट बनाने की कोशिश की है हर चीज़ से, लेकिन ये आते आते बिगड़ गया है। कोई नहीं, फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है और अब मैं इसको इंजॉय करूँगी। कोई बात नहीं, टेस्टी तो है, टेस्टी बनाया तन्वी, अच्छा लग, मीठा भी नहीं है ज़्यादा, सच में बहुत टेस्टी है। तो आज पी करके आराम से बैठी हुई हूँ मैं, आराम से तो नहीं बैठी हूँ, अभी भी मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ और इसके बाद उठूँगी तो कुछ बनाऊँगी, कुछ काम करना है मेरे दिमाग में चल रहा है उसको पूरा करूँगी। वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करने वाली हूँ कि किन चीज़ों में लगी हुई हूँ आजकल। का नाश्ता मैंने बना लिया है, पोहे बनाए हैं देखिए, और ये नाश्ता करने के बाद अब देखिए रात को क्या खाना बनता है। तो आज ये छोटी छोटी चीज़ें शेयर कर रही हूँ पूरे दिन ऐसे ही टाइम टू टाइम क्या क्या होता है पूरे दिन, कहीं आज जाना नहीं हुआ, तन्वी को लेने स्कूल गई थी मैं और कुछ भी जाना नहीं हुआ। मेरी और मम्मी की चाय शाम की, तो इनकी जिद की वजह से आज ये पापा से जिद करके सब्जी मंगवाई है, जबकि हम लोग रोज बाहर खाना खा रहे हैं। मैं मना कर रही हूँ कि नुकसान करेगा, आप सब भी कमेंट करके जरूर कहिए इनसे कि ये बाहर का खाना पीना थोड़ा कम करें। अब ये बड़ी हो रही हैं तो इनको ध्यान देना चाहिए, इनको फ्रूट्स खाना चाहिए, इनको दूध। इतना हम लोग बाहर घूम रहे हैं और रोज़ बाहर से ही खाना पीना खा रहे हैं, फिर भी इनको बाहर का ही खाना अच्छा लगता है। इनको आप लोग कमेंट करके समझाइए, मेरी बात इनको समझ में नहीं आ रही है कि अब इनको ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आज जिद करके फिर से ये पापा से फिर से सब्जी मंगवाई हैं, और चलिए आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो आज का डिनर घर पे रोटी बना रही हूँ, मैंने सब्जी नहीं बनाई है क्योंकि बाहर से आया है रेस्टोरेंट से, इनको बड़ा पसंद आता है यही सब, चाउमीन मैगी और यही सब खाना ये पसंद कर रही हैं। तो आप लोग जरा समझाइए नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये मानती नहीं है, रोज ही बाहर का खाते हैं फिर भी देखिए। तो चलिए खाना पीना हो रहा है, देखिए हमारे यहाँ इस तरह से खाना आता है बाहर से। मटर पनीर है ना तन्वी, ये आया है मटर पनीर, और इस डिब्बे को मैं फेंकती नहीं हूँ, इसी का यूज करती, तो ये है, और इसके साथ ये पिकल्स आए हैं। अच्छा, और इसके साथ मटर पनीर है ना, हाँ मटर, और इसके साथ आया है इस तरह से सैलेड, ओनली ऑनियन। तो यहाँ पे इन लोगों को सर्व करके खाना दे दूंगी, अभी ये लोग बाहर से आया है खाना तो इन लोगों को तुरंत चाहिए, भूख लग गई है बहुत ज़ोर से, और हम लोग बाद में खाएंगे अभी, क्योंकि अभी 8 ही बज रहा है तो इन लोगों को सब्जी देख करके भूख लग जाती है, और ये लोग खा लेंगे, हम लोग आराम से फिर खाएंगे। तो मैं इन लोगों दोनों बच्चों को दे रही हूँ यहाँ पे सर्व करके। ये देखिए खाने का तरीका इन लोगों का, आ रहे हैं। आज की सब्जी कैसी बनी है? दुकान से आई, दुकान से आई है। आज की सब्जी कैसी बनी है? और आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं और मेरी लाइफ से अगर जुड़ना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट।